जय हिंद। मैं भय सिंह तेवतिया और आज हम आपसे बात करने वाले बीम के ऊपर, जो आर्मी की बीम लगती हैं। 10 जो है आपका एक्सीलेंट माना जाता है और 6 आपका क्वालिफिकेशन होता है। पर बहुतों के ये कमेंट हैं और लगभग मेरे को भी ये पता है कि लगभग हर बंदे जो हैं पुलअप्स नहीं मार सकते, बीम नहीं मार पाते। तो उसके लिए मैं इतनी बढ़िया बढ़िया टिप्स बताने वाला हूँ और ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ कि आपकी बीम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और जो आपकी बीम क्वालिफाई तो कर दोगे पर एक्सलेंट मारने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट होते हैं ना पूरे, जो आपको पूरा 100 नंबर मिलते हैं वो इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बता दूँ जो आर्मी में बीम लगाने की गलती होती हैं। सबसे पहले ऐसे वाले पोजिशन में पकड़ो जो आगे से पकड़ते हैं, आगे से। हाँ, ये वाले बीम अलाउ नहीं होते आर्मी में। बीम अलाउ कैसे होते हैं वो करके दिखाओ, छोड़ो। हाँ, आउटर में ये अलाउ होते हैं। ठीक है, डाउन, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीम लगाने के लिए आपको सबसे पहली बात, नॉर्मल चलो पोजिशन लेते हैं, ऐसे खड़ा होना है, नॉर्मल नीचे पूरा छोड़ दो। ठीक है, अगर ये सीधी होंगी ना तो आपका वो काउंट नहीं होगा। और वो बोलते हैं सबसे पहले एक अप, हाँ ठीक है, और वो ऊपर होल्ड कराएंगे इस तरीके से। वो ऐसे नहीं है एक डाउन दो डाउन, नहीं, होल्ड करवा के चलेंगे। 3-4 बच्चे होते हैं एक साथ तो आपका होल्ड करवा के चलेंगे और फिर बोलेंगे डाउन। 3-4 बच्चे होते हैं इसलिए, ठीक है, जब सारे सारे एक साथ करते हैं ना जब। अब थोड़ी और गलती, फिर देखते हैं, करो पुलअप्स और लेग हिला के झटके मार के उछलना है, झटके मार के उछलो। हाँ, अगर ऐसे करोगे तो वो भी काउंट नहीं होगा। इजी करके दिखाओ जैसे करते हैं। हाँ, ऐसे लगना चाहिए आपके पैर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डाउन, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए और आपकी बीम ऊपर जानी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ये इम्प्रूव करना है कि बीम आप पे लगती नहीं है, अब उस पर बात करते हैं। पहले हमने गलतियाँ बात करी थी, अब इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। बीम पे आओ, देखो सबसे पहली चीज़, आपको बॉडी का फोर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कोशिश करना हाथों से जोर लगाने की। लगाओ हाथों से जोर लगाओ, हाँ ठीक है, डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, छोड़ दो। हाथों से आपको जोर लगाना है, ना कि आपकी पूरी बॉडी से झटके मार के। ऐसे जब आप पकड़ो तो आपके ये जो पकड़ाव है ना, इस पकड़ाव से आपको खींचना, आपके पूरा शोल्डर से पावर लगनी चाहिए। अभी मैं शोल्डर की पावर इंप्रूव करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, पहले हम बीम के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी जो आपको गलती नहीं करनी चाहिए और थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। तीसरी चीज़, बीम पर लटको, ठीक है, कोशिश करना कि बॉडी को ज़्यादा झटके मार के नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में स्मूथली उठाना है। ठीक है, और आपको इस तरीके से ऐसे ऊपर उठना है, और जब आप ऊपर जाओ ना, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना और शोल्डर में पावर रखना डाउन। हाँ, शोल्डर में पावर रखना जब भी होगा, क्योंकि वो ऊपर होल्ड कराते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, हाँ ऊपर ओके ना, बॉडी को पावर लगाते हैं, और बॉडी को पावर लगाने से आपकी एक या दो ही लग पाती है बीम। ठीक है, तो मैं तेरे से 5 लगा ले अब। ठीक है, क्योंकि अब 5-6 आपके सामने लगा चुका है, एक एक होल्ड करके 5 लगाओ आराम से। ठीक है, चलो फिर गलतियाँ पकड़ते हैं थोड़ी थोड़ी, चलो। हाँ, आराम से एक, हाँ डाउन, दो डाउन, आप देख सकते हो हाथों से जोर लग रहा है, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, एक और लगाओ, एक और, 6 क्योंकि 6 क्वालिफाई है ना, डाउन लगा लोगे 10, चलो डाउन, क्योंकि ऑलरेडी पहले लगा चुका है तो इसलिए हाथ पैर भर गए उसके। तो दूसरी चीज, अब आपने जो चीज़ देखा इसको ना आप थोड़ा ही स्लो मोशन में देख सकते हो, आप देखोगे कि आपके इसके जो पैर थे और बॉडी थी बिल्कुल रिलैक्स थी और हाथों से जोर लग रहा था। ठीक है, तो यही आपको काम करना है। अब बात करते हैं इसकी पावर बढ़ाने के लिए, शोल्डर की पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी पुशअप्स। ठीक है, जो कि अब ये करके दिखाएगा, मैं पुशअप करके दिखाऊं। ठीक है, पुशअप के लिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, पहले लगाओ आपको कौन सी पुशअप्स लगानी है वो मैं बताऊंगा। लगाओ पुशअप लगाओ, हाँ होल्ड करके लगानी नीचे। ठीक है, होल्ड, बस एक अप, दो अप, 3 अप, 4 अप, अब होल्ड करना है 4 और, एक हाँ अप, दो अप, 3 अप, 4 अप, रिलैक्स। इसको ना जब आप नीचे जाओ ना, जितना आप पे होल्ड हो, जितना भी होल्ड हो ना, स्टार्टिंग में पहले इजी रखो, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। जब ये आपके होल्ड होने लगेगा ना, जब आपकी शोल्डर की पावर बढ़ने लग जाएगी। और एक और चीज़ पुशअप्स की, लगो पुशअप में, लगो हाथ बाहर खोलो और हाँ लेंथ खोलो अपने हाथों की। अभी ये हाथों की लेंथ खुल चुकी है, अब पुशअप लगानी है। ठीक है, सिर्फ 3 गो, एक अप, दो अप, 3 यही होल्ड कर, एक बार करिए होल्ड। अब आप देख सकते हैं ये जो शोल्डर है ना, बिल्कुल टाइट हो चुके हैं यहाँ पे, ये पूरी लेंथ। ठीक है, अब जब आप नॉर्मल मारने लग जाओ ना, नॉर्मल पुशअप्स आपकी 20-30 पुशअप निकलने लग जाए ना, उस टाइम आप एक्स्ट्रा लेंथ लेके जब पुशअप लगाओ। ठीक है, एक और पुशअप्स जो हमारे ये कलाई वगैरह के लिए और शोल्डर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, डायमंड पुशअप।
ठीक है, दो मारनी है सिर्फ, ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही वो वर्कआउट कर चुका, हम वर्कआउट के बाद ही वीडियो बना रहे। चलो, एक अप, दो। देखो ये आप चीज देख सकते हो, पूरा शोल्डर कितना टाइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बैक भी देख लो, ठीक है, रिलैक्स। ये फिर है हमारा प्लैंक, ठीक है, अभी हम मिट्टी वाले एरिया में, पर करके दिखा दे एक बार प्लैंक। प्लैंक ये पेट के लिए भी होती है और हाथों के लिए भी होती है। चलो प्लैंक करो, हाँ ये वाला, ठीक है, ऐसे होल्ड करना आपको, आपका पेट ही भी मजबूत हो जाएगा, आपकी कोर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, और साथ साथ जो आपकी हाथ है, आपकी आर्म है, वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है, ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपकी बीम में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा कर आप जो बेफालतू की चीज़ों में रहते हो ना, कि डंबल उठाने के, वो आपका काम नहीं है, वो आर्मी वालों का काम नहीं है, वो काम है एथलीट वालों का, तो आप उन चीज़ों को मत करा करो। सिर्फ आर्मी वाले जो हैं, जो मैंने चीज़ अब ये बताई, अगर आप इनको करोगे तो आपकी बीम काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ और बहुत सारी हैं, तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर स्पोर्ट्स, फिटनेस, आर्मी से जुड़ी काफ़ी वीडियोज़ आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।